मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर का बर्थडे है आज, और हम बंगालीज के लिए आज का दिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। हर एक जगह पे आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसीलिए मम्मम के स्कूल में भी आज एक छोटा सा फंक्शन है जहाँ पे मम्मम डांस करने वाली है और एक राइम्स भी बोलने वाली है, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो छोटा सा एक प्रोग्राम है, एक्चुअली मम्मम को मैंने एक डांस क्लास में भी दिया है और वहाँ पर भी प्रोग्राम हो चुका है 2 दिन पहले, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही व्लॉग में मैं दोनों ही प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं मम्मम के स्कूल, और स्कूल का जो प्रोग्राम है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और उसके बाद मम्मम के डांस क्लास में जो प्रोग्राम हुआ था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आई एम श्योर कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं और मम्मम का प्रोग्राम अटेंड करके आते हैं। तो मम्मम भी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड है, ऑब्वियसली उसके स्कूल में फंक्शन है तो वो ज़्यादा ही एक्साइटेड होगी। लग रही है ना तितली रानी, बहुत खुश है वो आज। और यही मतलब ऐसे ही बच्चे आज ड्रेस पहनने वाले हैं, सब लोग तितली लगने वाले हैं आज। स्कूल चलते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को सारे बच्चे से मिलवाती हूँ, सारे बच्चे आज तितली ही बनने वाले हैं। तो हम निकल रहे हैं स्कूल में फंक्शन के लिए, और अभी बज रहे हैं शाम के 6, बट अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है, और हम तीनों ही बिल्कुल तैयार हैं। जब मम्मम को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो पहले ही उसकी जो विंग्स है, बटरफ्लाई विंग्स है, उसको लेके वो जा रही है ताकि वो टूट ना जाए। फंक्शन की सारी तैयारियां हो चुकी है स्कूल में। सारे बच्चे बिल्कुल तैयार है, यही आज परफॉर्म करने वाले हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। বাবু যাও বাবু যাও বাবু যাও यहाँ पे कुछ डांस परफॉर्मेंस भी होगा जो बच्चे करेंगे, बट अगर मैं ये वीक सॉन्ग आप लोगों को दिखाऊंगी तो इसमें कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो इसलिए मैं गाने के साथ आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, और सारे परफॉर्मेंस भी मैं आप लोगों को पूरा नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि व्लॉग इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम था, तो इसलिए मैं बस यहाँ पर टच कर दी जाऊँगी और आप लोगों को दिखा दी जाऊँगी, और बैकग्राउंड में मैं जस्ट एक म्यूज़िक दे दूँगी। अगर आप लोगों को ओरिजिनल गाने के साथ ये डांस परफॉर्मेंस देखना है बच्चों की, तो मैं अपने फेसबुक पेज में आप लोगों के लिए ये सारे परफॉर्मेंस दे दूंगी, आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे जाके बच्चों के सारे परफॉर्मेंस देख सकते हो। फेसबुक पेज का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
प्रोग्राम के अंत में मैंने भी एक गाना गाया था और इसी के साथ यहाँ पे ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। और अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ मम्मम के डांस क्लास में जो छोटा सा प्रोग्राम हुआ था वो, तो चलिए यहीं से चलते हैं मम्मम के डांस क्लास में। अभी हम पहुँच चुके हैं मम्मम के डांस क्लास में। यहाँ पे भी रविंद्र जयंती के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, बस छोटा सा ही प्रोग्राम है जहाँ पे बच्चे एक साथ डांस करेंगे। तो अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं और उसके बाद डांस प्रोग्राम शुरू होगा यहाँ पे। डांस प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, बहुत मस्ती किया कर लिया बच्चों ने, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती कर लिया, डांस भी हो चुका है। तो अभी हम घर जा रहे हैं, मम्मा देख सकते हो मतलब उसको जाना है इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम श्योर कि ये व्लॉग आप लोगों को एंटरटेनिंग लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।